ये बोर्ड देखो, पोरो। तो मैं पहुंच चुका हूँ पोरो। यहाँ से नॉर्थ पोरो, यहाँ से साउथ पोरो। ग्रीन फॉर्क यहाँ पे नहीं है, ये उत्तर पोरो पिकनिक स्पॉट है, बट हम यहाँ पे घुसेंगे बॉक्सा टाइगर रिजर्व के अंदर से। यहाँ से जाएंगे और थोड़ा देख के आ जाते हैं सीधा। यहाँ से एक किलोमीटर जा कर के फिर से राइट से सीधा। मैं पहुँच चुका हूँ डेस्टिनेशन का रोड में। देखो यहाँ पे ये साइन लगा हुआ है, मिलेगा आपको रास्ता। यहाँ पे मत जाना, जाना यहाँ पे है, ये साइड में 3 किलोमीटर। एक तो यहाँ पे बना है, एक तो यहाँ पे बना है, आपको यहाँ पे बना है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओ ये रास्ता तो थोड़ा कच्ची का रोड है, जंपिंग कर रहा है, धीरे धीरे जाना होगा। कहाँ जा रहे हैं ये लोग, कहीं पे घूमने के तक गया था होगा। वैसे ये जो पोरो है ये आलीपुर डोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है। ढाबा हुआ आ गया क्या, बंगाली में लिखा हुआ है रिसोर्ट ढाबा। ओके ऊपर में खाने के लिए है क्या, ऐसा बात है भाई। रास्ता में ढाबा बन गया। और कितना दूर है भाई, बस आ गए हैं, पहुंच गए हैं। अगर यहाँ पे शायद क्रॉसिंग करेंगे तो बोर्ड मुझे दिख रहा है यहाँ से। और ये समय में ना यहाँ पे काफ़ी पिकनिक के लिए आए होते हैं, दूर दूर से आसाम से आते हैं। तो मुझे यहाँ पे बाइक पार्क करना पड़ेगा शायद। खाली लग रहा है, बट पहले बाइक पार्क करते हैं इधर कहीं पे, यहीं पे करेंगे। मुझे उस तरफ बुला रहा है, यहाँ पे रख देते हैं। ये बैग रख के जा सकता हूँ ना यहाँ पे, ये बैग पीछे का बैग रख के जा सकता हूँ ना। 20 रुपया है, अभी देना पड़ेगा। तो इको पार्क अरेवल हो चुका है, अभी यहाँ से शायद टिकट लेना पड़ेगा। टिकट यहाँ से है, टिकट इधर से ही मिलता है। हम अभी टिकट लेंगे गाड़ी के लिए, शायद 100 रुपया छोटो गाड़ी के लिए भाई। एक का कितना है, 20 रुपीज़ पर हेड। अगर आप जाना चाहते हो तो 20 रुपीज़ करके पेड करना होगा। तो मैं अभी ऑटो के लिए 20 रुपया, छोटो गाड़ी के लिए 50 रुपया, बड़ा गाड़ी के लिए 100 रुपया, और यहाँ पर घुसने के लिए 20 रुपया। आप मुझे इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? 100 रुपया दिया था ना? मैंने आपको 50 रुपया दिया था। मुझे 80 रुपया घुमा रहे थे तो मैं सिर्फ 50 रुपीज़ दिया था। सो यहाँ पे एंट्री करते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे शायद टिकट चेक पॉइंट, यहाँ पे यहाँ के लोग हैं। टिकट सही था नहीं चाहिए, तो टिकट यहाँ पे मैंने ले लिया। तो मुझे यहाँ पे चेकिंग नहीं किया, बाद में शायद टिकट पड़े ना पड़े, आई डोंट नो। बट यहाँ पे देखो काफ़ी अभी रगीला हो चुका है और बहुत लाउड स्पीकर शायद आगे होगा, आगे जा कर के देखते हैं। और यहाँ पे अभी ड्राई पड़ा हुआ है कुछ ऐसा है अभी, और ये एरिया बहुत ही बड़ा है, ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और इसे देखो कलरिंग कर दिया गया है, और बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे है आगे। बट शायद इनको एंट्री के लिए सेपरेट से कोई पैसा देना पड़ेगा, बट जाके एक बार पूछने से पता चलेगा कि यहाँ पे सेपरेट ये होगा, क्योंकि हर बच्चे के लिए क्योंकि एंट्री यहाँ पे सिर्फ 20 रुपये लिया गया है। अगर खेलना चाहते हो तो अलग सा सहायक यहाँ पर लग सकता है, या फिर जा करके पूछेंगे। काफ़ी खूबसूरत सा बनाया गया है, रेस्टोरेंट है शायद, बट अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाया गया है, अभी जा रहे हैं, अंदर घुसेंगे, अभी देखेंगे और यहाँ से क्या क्या मिलता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट भी है, आपको यहाँ पे संतरा मिलेगा, मोमोज मिलेगा, और खाने के लिए जितना भी है ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखो आप यहाँ पे भी घूम सकते हो। अब इस तरफ घुसने के लिए पैसा लेता है क्या, टका चाय वो तो 10 टका। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको 10 रुपया पड़ेगा, और यहाँ से वापस होकर के हम अभी चले जाएंगे और बाकी जो एरिया से।
पूरा मजे से यहाँ पे पिकनिक ये लोग खाने के लिए आए हैं काफ़ी दूर दूर से साथ। काफ़ी खूबसूरत सा ब्रिज दिख रहा है मुझे यहाँ से, वहाँ पे पहले जाएंगे और वहाँ से ये व्यूज़ का मज़ा लेते हैं पहले, और उनके बाद में दूसरे और भी जगह एक्सप्लोर करने के लिए। काफ़ी सर बड़ा है यहाँ पे। पानी का उस पार से इस पार आ चुका है, बट इस पार ज़्यादा तो सूखा ही मिलेगा। ये देखो जितना भी पिकनिक खाने वाले हैं उस तरफ आ गया है, और पानी काफ़ी साफ है यहाँ का, आप यहाँ पे नहा भी सकते हैं। मैंने वो जंगल से ये बेर लाया, देखो 5 बेर है मेरे हाथ में और काफ़ी पक चुका है ये। हम यहाँ पे धोते हैं ठंडा ठंडा पानी, अच्छी सो पानी, अभी इसे खाएंगे हम। थोड़ा कैसा है? ठीक है, बनाना है, नहा रहे थे ना, वैसे ही बनाना अच्छा था। ये नाम क्या है? हाँ, जिरमिया, जिरमिया, ओ ज्यूत मिया। किधर है घर? पका हुआ है, उधर जाओ, वहाँ पे देखो, वो देख पक गया, देखा लाल लाल हो चुका है। यहाँ पे देखो काफी जरा पिकनिक लिए आया हुआ है ये भाई साहब, यहाँ है पिकनिक। बढ़िया है, पहली बार आ रहे हो यहाँ पे? नहीं, दूसरी बार है। दूसरी बार है, बहुत बढ़िया जगह, अच्छा प्लेस है। और यहाँ पे जंगल को ट्रिम कर दिया गया है। क्या क्या लाया, कहाँ छुपाया था? वाह वाह। लड़का लोग बर्तन धो रहा और बताओ जोर से, और बताओ कहाँ से हो आप लोग? बनचुका। ये बनचुका यहाँ, ओ इधर ही है, इधर ही है। तुम्हारी पाँच पैदल चल के आया ना, गाड़ी में? कितना जना आया? 20 जन आया। और ये भी आया, ये बड़ा वाला भी आया नाम बोल रहे। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ बेटा।
ये और एक आ रहा है, ये और तो उल्टा घूम गया। डर गया क्या? डर गया, डर गया, डर गया। पहले पूरा दिखा देता पूरा बढ़िया है खाना सुन। सीरीज का पेट लगा हुआ है। यहाँ जो बैठा है इन्हीं ने मेरा आज यहाँ पे घुसने के लिए पैसा दिया है, यहाँ पे छोटा सा पार्क पे, और ये 5 रुपये करके लेता है घुसने के लिए। हम दोनों मिल करके यहाँ पे काफ़ी मज़े किए हैं। इनके अलावा हमने यहाँ पे झूला भी झूला और यहाँ पे बहुत सारा टाइम पास हमने किया है, झूला झूलते भी मज़े किया। और बच्चे लोग यहाँ पे काफ़ी मज़े कर रहे थे, आलपुर द्वार से आए हुए बच्चे यहाँ पे, कोई कूद रहे थे, कोई नीचे आ रहे थे स्लॉप खेल रहे थे, किसी किसी का नीचे जाते हुए पेंट भी गंदा हो गया, कोई बच्चे और मज़ा कर रहे थे, फन कर रहे थे, दूसरे को देख कर हंसी भी कर रहे थे। बट हमें एक चीज़ मिला था ये सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, तो मैं भी सोचा कि हम यहाँ पे चढ़ जाए, तो हम दोनों सोच लिए थे कि यहाँ पे चढ़ेंगे। और चढ़ने के बाद हम वहाँ पे चढ़ भी गए, और चढ़ने के बाद में देखे कि वहाँ पे थोड़ा सा ये हिल रहा है, मतलब ऊपर से हिल रहा था, तो इसलिए हमने कोशिश की यहाँ से एक तरफ से नीचे झूलने के लिए, मतलब नीचे तक स्लिप करके जाने के लिए, बट हम वहाँ से नहीं जा पाए, हमें दूसरा ओर जाना पड़ा, दूसरा ओर अच्छा था, तो दूसरा ओर चले गए। जा करके हम दोनों वहाँ से कोशिश किए ताकि हम ऊपर से नीचे आए स्लिप करते हुए, तो हम धीरे धीरे आए, पैर सिर्फ लगाया बैठा नहीं, धीरे धीरे आके नीचे तक आ गए, और बहुत तकलीफ़ हुआ हमें ऊपर से नीचे तक आने के लिए। तो वहाँ से हम नीचे आ गए थे उन्हीं के साथ में, तब बच्चे आ गए, तो ये भी अलीपुर द्वार के बच्चे थे, और इन्हों भी काफ़ी मजेदार ये चटकीला, ये बच्चा बहुत ही फुर्तीला है, पटक से आ गया वो और खेलने लगा। और देखो ये एक बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उनको मैं बोला कि पेट गंदा हो रहा है ठीक से करो, और क्या बोलेंगे, और फिर से वापस चला गया। और ये साल का पेड़ है, देख ही पा रहे हो ये भाई साहब, अलीपुर द्वार से आए हुए हैं यहाँ पे पिकनिक करने के लिए। पिकनिक करने के लिए आया, खूब बढ़िया अच्छा जगह है। खाना पीना हो गया आपका? खाना पीना हो गया ठीक है, 2 बजे से पहले ही खाना पीना हो गया इन सभी का, और इनके साथ में आया हुआ भाई साहब ऑटो में भर भर के। काफ़ी लंबा समय घूमने के बाद में मैं फिर से और घूमने के लिए जा रहा हूँ उस तरफ, तो मुझे अचानक से दिखा दिया कि घोड़ा में कोई सफारी कर रहे हैं, तो अचानक मैं वहाँ से पहुँचा, जाकर के उन लोगों को मैं कैप्चर करने लगा, और कोई कोशिश कर रहा था घोड़ा में चढ़ने के लिए बट वो चढ़ नहीं पाया। बाद में उनसे बात किया कि वो लोग जलपाईगुड़ी के थे, जलपाईगुड़ी से यहाँ तक वो लोग आ करके पिकनिक खाने के लिए पूरा फैमिली के साथ में आए। मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप लोग क्यों इतना दूर है, उन लोग कहा कि यहाँ से अच्छा लगता है, और साथ ही साथ में उन्होंने मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब किया और कहा कि वीडियो जल्दी डालने के लिए, और उनके फैमिली यहाँ पे बैठे हैं। और ये देखो यहाँ पे कुछ भूटान के जो लोग हैं यहाँ पे घोड़ा सवारी कर रहे हैं, शायद ये लोग भूटान से आए थे कपल से दोनों, और घोड़े का मज़े ले रहे हैं। और मेरे अंकल से पूछा कि एक राइड के लिए कितना लेते हैं, तो अंकल ने बताया कि एक राइड के लिए 50 रुपये लेते हैं एक राउंड के लिए। उनके बाद में ये दोनों राउंड पे निकल गए, तो निकलने के बाद में मुझे पानी प्यास लगा, तो मैं पानी पीने के लिए चला गया, वहाँ पे टैप है, वहाँ पे पानी हम टैप से हाथ से ही पिए, क्योंकि मेरे पास बोतल नहीं था, तो मज़ा किया हमने ये पानी, मज़ा करते करते, बहुत ही ठंडा पानी है और फिल्टर पानी भी है। और उनके साथ में वहाँ पे कुछ भूटान से आए हुए लोग भी वहाँ पर आ गए थे, वहाँ पे कुछ खाना वाना पका रहे थे, और भूटान से लोग आए हुए, एक बहन थी, तो मैंने उसे कहा कि आपका खाना जल्दी पक गया होगा इसलिए आप बर्तन धोने के लिए लाए हैं। और उनको बाद मैंने पूछा कि कहाँ से, तो उन्होंने बताया कि वो लोग भूटान से थे कालीकोला, और उनसे भी मैंने अच्छे से बात किया और वेलकम किया। अभी तो पिकनिक खत्म हो गया, आप लोग अभी आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? पिकनिक खत्म हो गया इधर का।
अंत में आप सभी को बाय बाय कहूँगा। और मज़ा आया है आज यहाँ पे घूम करके, सिर्फ एक ही नहीं है, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आदमी भर भी गया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बारिश होने से बहुत अच्छा होता। अभी भी लोग आ रहे हैं, नाम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, शायद और भी लोग आएगा शाम तक। बट अभी बहुत टाइम हो चुका है, मेरा टाइम हो चुका है, हमारे अभी निकलेंगे और देखेंगे लेकर जाते हैं। गाड़ी इधर रखा हुआ है, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये देखो मेरा गाड़ी इधर पार्क किया हुआ, मैं हेलमेट भी इधर ही छोड़ के चला गया था। ये भी काफ़ी बेहतरीन प्लेस है, पता है सब